आपका झूठ सब सामने आ चुका है, आपकी खुद की बहन ने सारी धज्जियां उखेड़ दी हैं, और मैं बुलाऊंगा, ये मैं इस लाइव के माध्यम से आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं रीमा को भी गुलाम हैदर के साथ भारत में स्पॉन्सर करने जा रहा हूं, जो अदालत में आकर के आपके खिलाफ सच्चाई को बयान करेगी, आपकी हकीकत को दुनिया के सामने तो लेके आई है, वो अदालत के सामने भी आपकी सच्चाई को खोलेगी। हमारा प्रशासन कहां सो रहा है? क्या लालच है हमारे पुलिस प्रशासन को? तो ये एक पाकिस्तान से आई हुई इलीगल तरीके से भारत में घुसी हुई, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद इस प्रकार के बयान देकर के मुसलमानों को देश में भड़काना है और हिंदू भाइयों को देश में भड़काना है? क्या ये हमारे देश में दंगे कराना चाहती है? क्या ये हमारे देश की शांति सुख चैन को खत्म करके, भाईचारे को खत्म करके, ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है? इसका मकसद है क्या? ये है कौन? ये है कौन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली? ये कोई हमारी लीडर है या हमारी नेता है? ये है कौन? ये अपने आप को हिंदुस्तानी किस हिसाब से कह रही है? इसकी क्या औकात है जो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कह रही है? हिंदुस्तानी बनने के लिए हिंदुस्तान जैसा दिल चाहिए मैडम, हिंदुस्तान के लोगों जैसी सोच चाहिए, पॉजिटिव सोच। आपकी नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं है हमारे भारत को, हमारे देश के प्रशासन को, हमारे रघुपुरा के या गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को। क्या आंखें बंद है उनकी? कान उनके बहरे हो चुके हैं? उनको दिखाई नहीं देता ये रोज ऐसे बयान दे रही है जिससे दो समुदाय के अंदर द्वेष पैदा हो जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंच जाए और वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे, देश का भाईचारा खत्म हो जाए, देश के अंदर अशांति फैल जाए, लॉ ऑर्डर ड्यूटी को खतरा पैदा हो जाए, भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। ये रोज ऐसे ऐसे बयान दे रही है, कहां सोया हुआ है प्रशासन? शर्म आनी चाहिए। आप अधिकारी किस नाम के आप बैठे हुए हैं? मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती कि आपके एरिया में एक ऐसी लेडी इस तरह के बयान दे रही है जिससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, जिससे देश के अंदर फसाद पैदा हो जाए? आपको सुनाई नहीं देता? ये रोज लाइव आके बकवास कर रही है, ये बदतमीजी कर रही है, ये देश में फसाद पैदा करना चाहती है, देश की एकता और अखंडता को खराब करना चाहती है। आपको दिख नहीं रहा क्या? आप अंधे हैं क्या? आप बहरे हैं क्या? या आप क्या चाहते हैं? जब देश के इंसान, जब देश के नागरिक सड़कों पर उतर जाएंगे, जब आंख खुलेगी आपकी? आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या कर रही है, किस प्रकार के गलत बयान दे रही है? हम घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन, आप जागिए, आप बहरे ना बनिए, आप अंधे मत बनिए और इसकी वीडियो को खंगालिए। हमने आपको लिख के दिया है पहले ही कि इसकी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो ये लेडी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गई है। आपको आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसके परिणाम आने वाले समय में आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके द्वारा दिए गए बयानों से आज पूरे देश की जनता, मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, भाईचारों को समझने वाले लोग, इंसानियत को मानने वाले लोग, सब लोग इसके बयानों को देख करके दुखी हैं। और मैं कर रहा हूं, कल आपने जो बयानबाजी की है वीडियो के माध्यम से, धार्मिक टिप्पणियां की हैं, मैं कल आपके खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने लेट देखा वीडियो। अगर मैं दिन में देख लेता तो अब तक कार्रवाई कर देता। तो आप जो बकवास कर रही हैं, जो गलत बयानी कर रही हैं, आप कहती है मुझे डर नहीं लगता, मुझे परेशान नहीं होता। अरे भाई, डर, हम आपको डराने के लिए कोई कर रहे हैं? हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना।
जब आप जेल में जाएगी तो डर क्या चीज होता है या क्या चीज नहीं होता, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगी कि डर क्या चीज होता है। और आप कह रही जी मैं परेशान नहीं हूं, वो तो आपके चेहरे से दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है, आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, आपकी रौनक उड़ी हुई है। अगर आप अपने आप को अब भी सेफ करना चाहती हैं तो मैं आपको एक कानूनी सलाह देता हूं, आपका भाई तो आपको कानूनी सलाह नहीं देगा, कि आप इस प्रकार के गलत बयानों पे को मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जारी ना करें, वरना जितने आप इस प्रकार के बयान देगी आप उतना ही कानूनी पचड़े में फंसती चली जाएंगी और आपको कानूनी रूप से कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का कानून है, उसको आप बार बार वायलेट कर रही हैं तो आप अपने लिए कानूनी रूप से मुसीबत पैदा कर रही हैं।